उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीषण बवाल के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हिंसा के बाद रामगोपाल मिश्रा की जान लेने के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब उनके अवैध कब्जों और घरों पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी कर ली गई। लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर आरोपियों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस सिर्फ रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपियों के घर पर नहीं बल्कि एक दर्जन लोगों के घरों पर लगाया गया है, जिसमें अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर नहीं हटाया गया तो उस पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। नोटिस में कहा गया कि अगर निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस मामले में आरोप है कि इन मुख्य आरोपियों ने बहराइच को सांप्रदायिक हिंसा में धकेलने का प्रयास किया था। अब योगी सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कमर कस चुकी है। जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने नामजद आरोपी अब्दुल हमीद के मकान समेत करीब 20-25 घरों की पहचान की है और उनके अवैध होने व अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। बता दें कि रामगोपाल मिश्रा की जान लेने के आरोप में 5 लोगों को गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें सरफराज और तालीम के पैरों में गोली लगी थी। साथ ही दोनों का इलाज करने के बाद शुक्रवार को 5 आरोपियों को CJM कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 5 आरोपियों को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी ओर सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए युवक की पत्नी ने दावा किया कि परिवार को मांग के अनुरूप न्याय नहीं मिल रहा है। एक वीडियो संदेश में मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने कहा कि मैं रामगोपाल मिश्रा की पत्नी हूं, जिनकी 4 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। हम न्याय की मांग कर रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा है। प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला पा रहा है। रोली ने कहा कि दोषी पकड़े जरूर गए हैं लेकिन मारे नहीं गए। नमस्ते गाइस, मैं हूँ रोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। इसके अलावा रामगोपाल मिश्रा के परिजन, जिसमें उनकी माता और पिता दोनों शामिल थे, दोनों ने न्याय न होने की बात कही। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है और विपक्ष लगातार प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।